दोस्तों, अगर आप लोग भी काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने YT स्टूडियो को या फिर अपने YouTube को क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन करना, लेकिन यार सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है कि जैसे मैं क्रोम ब्राउजर के अंदर अपने YouTube को ओपन करते हैं और वो सीधा उठा करके हमारे को ले जाता है YouTube के ऐप के अंदर, तो सबसे बड़ी भैया यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना, तो टाइटल अच्छे से लगा पाते हैं ना ही हम टेक्स अच्छे से यहाँ पर जो है भर पाते हैं। तो ऐसे में इसका क्या सोल्यूशन हम करें ताकि हमारी वीडियो के अंदर जो है हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर पाए और वहां पर टाइटल वगैरह लगा पाए, टेक्स्ट वगैरह एकदम अच्छे से लगा पाए। तो उसको सबसे पहले आप लोगों को जो मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं उसके अंदर आप सभी जनों को क्या करना है, आप सभी जनों को ओपन कर लेना अपने क्रोम ब्राउजर को। तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने और समझने में थोड़ी सरलता रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लो दोस्तों। ओपन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर न्यू टैब के ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पर तीन जहाँ पर जो डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इन डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों को सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि डेस्कटॉप का यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंटली टैप करके मेरे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो है जो ब्राउजर है उसको मैंने डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर स्विच करके रखा हुआ है। तो आप सभी जने भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा हुआ ऑप्शन आप लोगों के सामने आएगा। इस डेस्कटॉप के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे। अब आप लोग जैसे ही सर्च के अंदर जाओगे तो आप लोग कुछ भी सर्च करोगे, जैसे कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा, फिर यूट्यूब भी ओपन करोगे तो सर्च के अंदर जो लिंक आता है वो सीधा आपको यूट्यूब पर पहुंचा देता है। यही दिक्कत आप लोगों के साथ में भी हो रही होगी कि हमने डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर भी वीडियो ओपन कर दी, लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो सीधा हमारे को जो है क्रोम ब्राउजर यूट्यूब के ऐप के ऊपर हमारे को ले जा करके छोड़ रहे हैं। तो अब आप सभी जनों को क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप सभी जनों को ओपन कर लेना है अपने जो YouTube है, इसको जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। YouTube का जो ऐप है इसको आप लोग यहाँ पर ओपन कर दो। अब YouTube के ऐप को यहाँ से आपको पकड़ करके रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर दोस्तों आप सभी जनों को जाना है और यहाँ पर एक क्लियर डेटा करके ऑप्शन लिखा हुआ आता है दोस्तों, क्लियर डेटा के ऊपर जाना है आप लोग। चेचेस यहाँ पर क्लियर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर ऊपर की साइड में जाओ और यहाँ पर जो है नीचे की साइड में आप क्लियर ऑल डेटा, क्लियर ऑल डेटा के ऊपर भी क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी डेटा क्लिक के पूरी तरीके से गायब नहीं होगा, क्लियर कर देना आप लोग यहाँ पर। इसके बाद में क्रोम ब्राउजर आप लोगों को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर सर्च करने वाले हो कि भाई जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग क्रोम ब्राउजर के ऊपर ओपन करना है। तो आप कुछ भी सर्च करोगे यूट्यूब वगैरह तो आप लोगों का जो ब्राउजर है वो ऑन होने वाला है एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वीडियो सारी तरीके से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ओपन करने से आप लोगों को एक एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपकी जो वीडियो है उसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे थोड़े से वीडियो को वायरल करवाने के लिए। टेक्स्ट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरीके से लाखों ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ से आप लोग डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर अपलोड करके अपनी वीडियो की सारी सेटिंग्स वगैरह करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि बस छोटी छोटी सी सेटिंग्स थी वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दी है कि आप लोग अपने YT स्टूडियो को कैसे ओपन कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर डेस्कटॉप साइट के ऊपर। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लेटे केयर, जय हिंद दोस्तों।